शहर के विकास की एक कड़ी साड़ी वार्ड च 4 करोड़ रुपए का टेंडर लग्या और शॉपिंग कंपलैक्स जो बनने जावा है और जी सारे साड़ी कौंसल का एक ना आला लक्ष्य भी है कि बद तो बद रोज़गार लोगों की देिए और उइयो कड़ी है तो देखा होना बड़िया दुकाना ही बनाइया और कड़ी है कि कंपलैक्स हर्ट आई है कि 120 दुकाना बनी और रोज़गार जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें अं रोज़गार भी देना और ये नाल अज कौंसल की साड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग मैं ही प्रपोज किया कि इस जो कंपलैक्स का ना जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जे साढ़े मैं आखना कि साढ़े प्रनेता है साढ़े पुरखे है पार्टी के उनके नाँ पर होना चाहिए और प्रधान साहब सीओ साहब पूरी कौंसल ने यूनानीमसली डिसाइड किया कि इस जो कंपलैक्स का ना जोड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाँ पर होना चाहिए। मैं एक बार फिर सारे की बधाई देंग पूरी कौंसल की बधाई देंग। जय हिंद जय भारत। सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है और ये कम्प्लेक्स बनेगा ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और कम्प्लेक्स बने जो हमारे पास जगह है और कौंसल का भी सोर्स बने और लोगों को भी एक अच्छी सुविधा अपनी कम्प्लेक्स का एसएसपी का थोड़ी उद्घाटन करने हैं। क्या देखते म्युनिसिपल कौंसल की तरफ से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चौक के अंदर उन्हीं के नाम से आज यहाँ ये कम्प्लेक्स का काम जो यहाँ शुरू हुआ ये इसका टेंडर जो 4,17,00,000 रुपए का वो टेंडर हुआ था इसका, इसके साथ साथ 1 करोड़ का एक साइड पे टेंडर, 5 करोड़ के काम इसी बांड में और इसी चौक के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चौक के अंदर ये जो एक बहुत बड़ा कंप्लेक्स बनाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ इसकी डेवलपमेंट जैसे मेरे काउंसलर ने बताया कि म्युनिसिपल काउंसिल का एक ही काम नहीं है लैंड ड्रेन सब का, म्युनिसिपल काउंसिल का चारों तरफ शहर की तरक्की हो, हर हिस्से में तरक्की हो और उस तरक्की के साथ जो जहाँ से म्युनिसिपल काउंसिल का जितने भी एक्शन कराएंगे जितना भी पैसा आएगा चाहे 20 करोड़ आए चाहे 30 करोड़ आए चाहे 40 करोड़ आए चाहे 50 करोड़ आए ये 4 मंजिल बिल्डिंग बनेगी और जितना पैसा आएगा ये सारे टाउन की डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जहाँ इस शहर को लगेगा। तो मैं पूरी म्युनिसिपल काउंसिल की हमारी टीम हमारे सीईओ साहब हमारे इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के वो और आप सबको आप सबका भी शहर है आप सबको सारे शहर को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत से कम्प्लेक्स और भी बना रहे हैं बनाने भी जा रहे हैं लेकिन ये सबसे पुराना शहर ओल्ड डीसी ऑफिस यहाँ पुलिस स्टेशन और यहाँ शहर का यहाँ थिएटर और ये पुराना शहर इसको एक बार हम फिर बहुत बड़ा आबाद करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा चौक बनाएंगे पार्किंग बनाएंगे। इस कम्प्लेक्स के अंदर डबल स्टोरी हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाएंगे जो ऊपर की 2 मंजिल होगी उसको हमने डायरेक्शन दी है वो हॉल बनाएंगे पूरे वो हॉल में चाहे हमारे पास स्टेट बैंक वाले आ जाएं चाहे यूको बैंक वाले आ जाएं चाहे जेके बैंक वाले आ जाएं चाहे कोई बड़ी बड़ी कंपनी मल्टी कंपनियां जो हैं जियो वाले या दूसरी जो भी कंपनियां आएंगे हमसे स्पेस जितना मांगेगी उस स्पेस के लिए वो करेंगे। और जो 4थी मंजिल है वो म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस भी हम जहाँ लाएंगे वो पुराना 60 साल पहले चौधरी चक्र सिंह के जमाने में वो बना था लेकिन वो कम्प्लेक्स खत्म नहीं होगा वहाँ बाकी स्टाफ रहेगा जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा जहाँ उनका स्टाफ होगा वो सारा इस ऑफिस के अंदर इस काउंसिल के अंदर इस शहर के अंदर 4थी मंजिल के ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल का